तलेआम तलवानी तरीके से हुआ, मैं आप पे उंगल नहीं उठा सकता हूँ। कल को कहेंगे रस्ते में ये तलवानी, इन्होंने लाल किला में झंडे का अपमान किया था, यही तलवानी सरदार जिन्होंने किसी का हाथ काटा था, मैं किससे बहस करूंगा। अदिति जी, भदौरिया जी सामने बैठे हैं और सारी कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, सीपीएम भी है और बीजेपी भी है। इतनी इतनी बड़ी रैलियां करते हैं जे, क्या इनकी रैली के अंदर क्या कभी ऐसी घटना हुई? भदौरिया जी यूपी के हैं, मैंने तो कभी घटना नहीं ऐसी सुनी। पॉलिटिकल पार्टियों के भी कार्यकर्ता होते हैं, मैंने भी लाखों की रैलियां किया लाल किला के अंदर, लाखों की रैलियां यूपी पंजाब हरियाणा, कभी कोई घटना नहीं हुई। अगर हुई तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, या समाजवादी पार्टी है, या बीएसपी है, या कांग्रेस है, या बीजेपी है, यह तो स्पष्ट है, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं। ये हम कैसे इस चीज से अलग हो सकते हैं कि वहां पे किसान आंदोलन के हम खिलाफ नहीं, पर किसान आंदोलन के बीच में अब बिट्टा सरदार है, एक भारतीय सरदार है, अब छोटे छोटे बच्चे भी कहेंगे आप बोल रहे तलवानी, आपको कहने का अधिकार है, क्योंकि कतलेआम तलवानी तरीके से हुआ, मैं आप पे उंगल नहीं उठा सकता हूं। कल को कहेंगे रस्ते में ये तलवानी, इन्होंने लाल किला में झंडे का अपमान किया था, यही तलवानी सरदार जिन्होंने किसी का हाथ काटा था, मैं किससे बहस करूंगा त्यागी जी, मैं किससे बहस करूंगा। सवाल सबसे बड़ा यह है, इतना बड़ा आंदोलन और आंदोलन करें कौन मना करता है, पर उसके अंदर इस तरीके से किसी का हाथ काट दिया जाए, किसी की टांग काट दी जाए। फर्ज करो लखबीर सिंह की जगह पे होता, लखबीर जैन, लखबीर अग्रवाल, राकेश जैन, और आपके चैनलों पे न्यूज ना आती और दशहरे का दिन होता, क्या कहते थे, सिखों ने हिंदू भाई मार दिया। मैं भाई कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा, हिंदू भाई मार दिया। 5 मिनट के अंदर 84 के दंगों जैसे हालात हो जाते, काट वाट हो जाती कि हिंदू मार दिया। ये तो भगवान की कृपा हुई, पुलिस ने या मीडिया ने, आप लोगों ने उस वक्त कवर करके कह दिया कि लखबीर सिंह तरन तारण का तो थोड़ा सा काम ठीक हो गया। बाई जीवे ना होता तो मैं आपसे त्यागी जी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हुआ? ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई भी घटना होती, कोई भी कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टियां करती, मैं अगर एंटी टेररिस्ट फ्रंट का प्रेसिडेंट हूं, अगर मेरे कोई कार्यकर्ता करता तो वो मेरी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि वहां पे कत्लेआम कर दे, इतनी देर के बैठे, इतनी देर निहंग सिंह, इतनी हम निहंग सिंह के खिलाफ नहीं, निहंग सिंह का नाम बाबा बुड्ढा दल भी है, वो अच्छा कर्म करते हैं। और निहंग सिंह की फौज क्या है पता है, महाराज रंजीत सिंह जिसका काबुल कंधार तक राज था, तो ये फौज यही निहंग सिंहों की फौज थी जो तलवानी इन निहंग सिंहों से डरते थे। और माए कहती थी उस वक्त अपने बच्चे को, बच्चे सो जा, नलुआ आ गया, निहंग सिंह आ गया काबुल कंधार की। आज उल्टा ये हुआ कि हम तलवानी बन गए। मैं फिर कहूं हम आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किस तरह से मंडन किया जा रहा है यहाँ पर, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शर्मसार तो छोटा वर्ड पड़ जाएगा, देखो छोटा पड़ जाएगा शर्मसार शब्द। जी बिट्टा साहब बोलिए, हमको चोर तो, अदिति जी हमको चोर थोड़े ही, अदिति जी ये देखिए, अदिति जी हमको 20 करोड़ और 100 करोड़ की, अदिति जी हमारा कोई, बोलिए बोलिए बिट्टा जी बोलिए, हम कोई नहीं है। अदिति जी देखिए देखिए, हाथ काटने वाले, टांगे काटने वाले किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है देखिए। और ये किसान का नेता ये हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं, देखिए इनकी तरफ, क्यों नहीं लोग हमें तलवानी कहेंगे? और ये जो किसान के नेता है ना, जिनसे बिठाया हुआ आपने, इनकी जबान खुलने को तैयार नहीं है, कहते हैं हमारा कोई मतलब नहीं, उनको फांसी दे दीजिए। अरे ये छोटी सी बात है क्या? ये छोटी सी बात है, ये शिकायत ने बर्बाद कर दिया हमारी सिख कौम के ऊपर, शिकायत ने कलंक लगा दिया हमारे पंजाब का आंदोलन, शिकायत यूपी में इलेक्शन के कारण हाईजैक करके ले गया, ये किया इन्होंने। कहा है आज शिकायत,
लाइए जज को बैठ करें इस बात का ऐसे कातलों इस बात का ऐसे कत्लेआम करने वालों को ऐसे सम्मानित किया जाता है। आप जैसे लोग ऐसे ही बकवास करते रहेंगे। अरे सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप बोलिए भैया तुम्हारी आपकी कितना थी। अरे तुमने देखा नहीं हम है कौन ये किस तरह की भाषा है सर ये किस तरह की भाषा है तुम गुंडे हो क्या तुम गुंडे हो रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज थोड़ा सा सही भाषा पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ प्लीज रुक जाइए एक सेकेंड रुक जाइए सर बिट्टा साहब रुक जाइए एक सेकेंड कुल्लर जी कुल्लर जी ठीक है यहाँ पर बिट्टा साहब सियासत को भी एक्सपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या नेताओं में दम है इस वीडियो को चैलेंज करें इस वीडियो पर टिप्पणी करें किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है इस वीडियो में शर्मसार तो छोड़ उठाते क्योंकि कत्लेआम जो हुआ है वो हुआ है तलवानियों की तरह हुआ है पूरे देश में बड़ी मुश्किल से पंजाब हम सब ने ठीक किया अकेले हमने नहीं किया सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए दिल्ली के अंदर 84 के दंगे हुए उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से अपनी पगड़ियों पे दाग उतारे फिर आ गया लाल किला उससे पहले आ गया खालिस्तान फिर आ गया लाल किला फिर भी बड़ी मुश्किल से आपने सबने हमने मिल करके चलो कोई बात नहीं बात हुई हमने अपने दाग को मिटाया आपने सबने हमें माफ किया हम आपका शुक्रिया अदा कर दे अब रोज रोज ये कड़ी कलेश रोज रोज ये लोगों के सामने इस पगड़ी के इज्जत खराब हो रही हम क्या करें हम आपसे सवाल पूछते ये तूतू मैं की बहस नहीं है ये झगड़े का सवाल नहीं है कभी वहां कहते हम खालिस्तान बनाएंगे मैं आपकी तकलीफ में आपका दर्द मैं समझ सकती हूं एक मिनट कभी कहते इंदिरा गांधी को मार दिया कभी कहते मोदी को मार देंगे अरे ये कहां की भाषा का प्रयोग है भाई मुझे बताइए किसान आंदोलन के लीडर साहब हम आपकी इज्जत करते हैं हमें राजनीति नहीं करनी है पर सवाल इस देश के अंदर ठीक है आपने सियासत से भी सवाल पूछा आपने किसान नेताओं से भी सवाल पूछे जब ऐसा है और जब किसान अदालत में कानूनों को चुनौती दे रहे हैं तो सड़क पर विरोध क्यों त्यागी जी मुद्दा क्या था आज मुद्दा था कत्लेआम का था मानवता का कत्लेआम मुद्दा था वो था ये मुद्दों की तो रोज चर्चा होती है लखीमपुर की कई दिनों से चर्चा हो रही है कल भी होगी परसों भी होगी मुद्दा तो हम मुद्दे से बढ़ रहे हैं कि मानवता का कत्लेआम हुआ है तलबानी छोट पे कत्लेआम हुआ है हमारी पगड़ी पे दाग लगा है पहले पंजाब में दाग लगा फिर लाल किला में लगा अब लगा उसकी तरफ तो कुछ चर्चा का विषय ही नहीं सवाल सबसे बड़ा है अगर किसानों को हटा देते फिर कहेगी जी इन्होंने तो ऐसा कर दिया इन्होंने तो जुल्म कर दिया दोनों तरफ खाई है इधर कत्लेआम है उधर अगर सरकार करती है तो फिर पॉलिटिकल पार्टियों के इशू शुरू हो जाते सवाल सबसे बड़ा ये खुल के क्यों नहीं कहते कि कत्लेआम हुआ है एक ही मुद्दा मानवता के ऊपर कत्लेआम क्या हुआ है इसके जिम्मेदार किसान आंदोलन के लीडर हैं मैं आगे भी कह चुका हूं बीजेपी के सामने द्रिवेदी जी बैठे हैं समाजवादी के भदौरिया जी बैठे हैं बीएसपी के बैठे हैं मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूं बता दीजिए कि हमारी रैली में कभी को गड़बड़ हुई कभी हुई नहीं हुई लाखों की रैलियां मैंने की है द्रिवेदी को पूछ लीजिए भदौरिया जी को पूछ लीजिए पर ये किसान आंदोलन के लीडर ये जो धमकी देता है ना आपके सामने बैठा है इसको मेरे सामने रहो वन टू वन मेरे देश से बात कराओ इसकी धमकी का मैं जवाब देता हूँ इनकी धमकी का मैं जवाब देता हूँ ये धमकी देता ना किसान लीडर कि हम ऐसा करेंगे इसको कोई हिम्मत करके दिखाओ बॉर्डर कब तक बंधक रहेंगे हम हर तरीके से